नमस्कार दोस्तों, तेजस इलेक्ट्रॉनिक के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों के बीच में फिर एक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जानकारी वाली वीडियो लेकर आए हैं। और बने रहिए आप हमारे साथ और चैनल को आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कोई भी छोटी से छोटी जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो पाए। आज हम लेकर आए हैं ब्लोअर, फैन हीटर दो प्रकार के लेकर आए हैं, जिसे ब्लोअर भी कहते हैं, फैन हीटर भी कहते हैं। और हम लाए बहुत ही सस्ती कंपनी का फैन हीटर और ब्लोअर। आपको हम बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी, कैसे प्रयोग करें आप, जिससे सेफ्टी भी रहे और टिकाऊ भी रहे और अच्छे से आप प्रयोग भी कर सकें। बहुत ही सस्ते ब्लोअर के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। केम स्टार और गोल्ड स्टार के दो ब्लोअर हमारे पास हैं। पहला मॉडल का ब्लोअर हमारे पास केम स्टार का है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं और हम पहले खोलते हैं गोल्ड स्टार का। दोनों ही चालू कंपनी हैं और दोनों का हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, केवल आपको नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अधिक टिकाऊ रहे और कोई खतरा भी ना रहे, और कितने वाट का लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, ये भी हम बताएंगे आपको लास्ट में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो हमने जैसा कि दोनों ब्लोअर निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप, जैसा देखिए गोल्ड स्टार का ब्लोअर है। इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये जो रूम के फैन हीटर होते हैं, ब्लोअर जिसे कहते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। एक छोटा सा फैन यहाँ पे लगा होता है जो चलता है, जो हवा को यहाँ से खींच कर यहाँ से निकालता है। यहाँ पर आगे हीटर की स्प्रिंग लगी होती है जो गर्म होती है और हवा टकरा कर निकलता है, जिससे गर्म हवा निकलती है। और इसमें करंट उतरने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि ये पूरे टोटल फाइबर के बने होते हैं। इसमें लोहे के बने भी आते हैं, लेकिन आप लोहे के बने जो ब्लोअर आते हैं उसको लेने से बचें, क्योंकि लोहे के बने ब्लोअर में कभी कभार करंट उतरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें करंट उतरने के चांसेस जीरो रहते हैं। आप केवल आगे से अगर उंगली अंदर मत डालेंगे तो करंट कहीं आने का कोई चांस नहीं है, और पूरी तरह से आपके रूम को गर्म कर देता है। ये करीब 1000 वाट के होते हैं। और अगर आपको मीटर से चलाते हैं बिजली, आप घर में मीटर से प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा समय तक नहीं, आप 1-2 घंटे चला सकते हैं। शाम को ठंड ज़्यादा है तो चला सकते हैं, और अगर चलाना चाहें तो कितना भी चला सकते हैं, लेकिन जैसे कि इसकी यूनिट ज़्यादा गिरती है। और आपको और कंपनियों को दिखाते हैं। आप देखिए केम स्टार का है, ये भी फाइबर से बना हुआ, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। इसका फ़ैन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे कंट्रोलिंग, फैन कंट्रोलिंग और हीटिंग कंट्रोलिंग के दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से हीटिंग बाहर निकलती है, इसमें इंडिकेटर एक दिया गया है, और इसमें कुछ है नहीं, दोनों में एक सेम सामान है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, 700-800 रुपये में अच्छे से आपको रूम हीटर ब्लोअर मिल जाएंगे। आपको 700-800 की रेंज में ही लेना है, इससे महंगे लेकर आप कुछ नहीं। जैसे आप उषा बजाज का लेना चाहेंगे तो आपको मान चलिए 1200-1300 के ऊपर ही मिलेंगे। और भी कंपनियों के हैबल्स वगैरह, जितने भी कंपनी, किसी कंपनी का प्रचार नहीं करें, किसी भी कंपनी का आप अगर लेना चाहेंगे तो काफ़ी महंगे महंगे ब्लोअर आते हैं, लेकिन काम उतना ही करेंगे जितना काम ये करेगा और ये करेगा। ये दोनों बहुत ही सस्ते ब्लोअर हैं। इसमें इसका मान चलिए दोनों आपको मार्केट में 700-800-900 के रेंज में मिल जाएंगे। आप इतने ही रेंज का ब्लोअर लें, क्योंकि ब्लोअर का विरोध में होता कुछ नहीं है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, एक फैन लगा होता है, बस और कुछ नहीं होता है। इसके आप केबल की क्वालिटी देख लीजिएगा, क्योंकि केबल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर पावर का दबाव ज़्यादा होता है। और जैसे मान लीजिए 16 एम्पियर कम से कम साकेट लगी होनी चाहिए जिससे आप चलाएं। आप 6 एम्पियर में चलाएंगे जल जाएगा, आप 16 एम्पियर साकेट में चलाएं इसको। लास्ट एंड फाइनल बताना चाहूँगा, किसी भी कंपनी का ब्लोअर लें तो आप लोहे के ब्लोअर लेने से बचें, आप फाइबर मटेरियल का ब्लोअर लें, जिससे कि करंट उतरने के चांसेस कम रहेंगे। आप बहुत महंगा ब्लोअर ना लें, आप 1000 रुपये के नीचे का ही ब्लोअर लें, जिससे कि आपको काम उतना ही करेगा, टिकाऊ बहुत होते हैं। इसमें अगर कुछ खराबी आती है तो तार वगैरह थोड़े से कट जाते हैं, आप खोल के खुद उसको जोड़ सकते हैं, और कुछ इसमें खराबी आती नहीं है। आपका कभी कभार कंडीशन में जैसे कोई बहुत लोकल निकल गया तो उसके पंखे खराब होने के चांसेस रहते हैं बस। जय हिंद मित्रों, आप वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, आप कोशिश करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जानकारी आपको देते रहें। हमारे चैनल को बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जानकारी है, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। आप चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए।